नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि दुनिया में अभी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इससे जुड़ी हुई हर एक बातें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक चीन में इस वायरस से लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुका है और इंडिया में भी इसका कहर शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया में भी 29 लोगों के शरीर में कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है वो देखा गया है और ये कन्फर्म भी हो चुका है। तो कैसे इससे बचे, कौन कौन सा लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के इसी परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसे समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस के संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस के फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। उसके बाद इसके वायरस से बचने के उपाय क्या है। ये जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब चला जाता है ऐसे आसानी से। तो इस वायरस से बचने का उपाय जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है वो है कि आपको हर बार बाहर से आने के बाद और खाने से पहले हाथ साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद जो सार्वजनिक स्थान है वो वहाँ पर ज़्यादा ना जाए तो अच्छा है। जैसे कोई पर होली का पर्व चल रहा है या दूसरा स्थानों पर अगर आप उस जगह पर जाने से बच सकता है तो अच्छा है। उसके बाद जो है मांस और मछली और अंडे अगर आप ना खाए तो इस टाइम वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस प्राणी से भी वायरस फैलता है। अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से पका कर खाए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई व्यक्ति खांस रहा है जैसे उसके जुकाम है तो उससे दूरी बना कर रखे, और अगर आप भी खांस रहे हैं तो आप मुंह में रुमाल या दूसरा कोई टिश्यू पेपर डाल कर ही खांसे, ओपन में मत खांसिए। और अगर आपके आसपास कोई मछली या कोई मार्केट है तो मछली मार्केट में जाने से बचे, उससे दूरी बना कर रखे। ये जो वायरस है ये 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और चीन में ही 90,000 से ज़्यादा इसके जो लक्षण है आदमियों में देखा गया है। तो इस वायरस को अगर आप लाइव चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर कितना प्रभावित हुआ है तो आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप इस मैप को देखिए ओपन करेंगे तो हर एक एरिया में कितना इफेक्टेड पीपल है इस वायरस का और कितना डेथ हुआ है, ये आपको डिटेल्स में इस मैप में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लिंक्स के ओपन करके देख सकते हैं। देखिए इंडिया में देखिए शो कर रहा है लाइव जितना भी है। उसके बाद ये लाइव डेटा जो है इम्पोर्टेंट एजेंसी है वो दे रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है चीन में है, उसके बाद यहाँ पर जापान में है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ईरान में है। तो यहाँ से आप लाइव चेक कर सकते हैं और आप सतर्क रह सकते हैं। आपका थोड़ी सावधानी और थोड़ी सतर्कता आपको फैमिली को बचा सकता है इस वायरस से संक्रमण से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साइड में लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।